नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ये माइक्रोटेक की इन्वर्टर है और इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एसी मोड या डीसी मोड, किसी भी मोड में आप देख सकते हैं कि ये ऐसे तो ये बहुत पुरानी मॉडल है। इस टाइप में बहुत सारे मैं वीडियो भी पहले भी बना चुका हूँ। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इस पर सप्लाई चेक करता हूँ, क्योंकि हमारी एसी मोड या डीसी मोड में इंडिकेटर तो जल रही है लेकिन सप्लाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने एसी मोड डीसी मोड में मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और डीसी मोड में ये सप्लाई, देखिए ये डीसी मोड में सप्लाई दे रही है लेकिन इसमें एसी मोड में सप्लाई नहीं दे रही है। और तो उसी को हम चेक करते हैं कि एसी मोड में ये सप्लाई क्यों नहीं दे रही, जबकि डीसी मोड में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जैक पर है वहाँ पर सप्लाई आ रही है लेकिन आउटपुट पर सप्लाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी जैक में जो सप्लाई है वो आ रही है लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको मैंने थोड़ी सी जूम कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने न्यूट्रल पीछे लगा दिया और यहाँ पर ये देखिए जैक पर, यहाँ जैक पर आपको सप्लाई आ रही है। और जबकि आप देख सकते हैं कि रिले पॉइंट पर सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसे मैं थोड़ी सी डीसी में देखता हूँ कि हमारी जो है रिले ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है, रिले पर वोल्ट आ रही है कि नहीं। देखिए रिले पर वोल्ट आ रही है और लेकिन हमारी रिले ऑन नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि या तो रिले आपकी चपक गई होगी या फिर आपकी रिले में की कॉइल जो है हीट होकर ख़राब हो गई होगी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि नए लोग के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है कि सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, तो काफ़ी परेशान होते हैं। तो ये इसलिए उनके बताने के लिए है कि अगर आपकी आउटपुट पर सप्लाई नहीं आ रही है किसी मोड पर, इन्वर्टर मोड पर या बैटरी मोड पर, तो आप पहले चेक कर लीजिए कि हो सकता है कि चेंज ओवर ना करता हो तो, या फिर रिले पर सप्लाई वोल्ट नहीं आ रही हो तो हो सकता है कि सप्लाई नहीं दे रही हो। जबकि आप देख सकते हैं कि जैक में सप्लाई आ रही थी लेकिन आउटपुट पर सप्लाई नहीं जा रही थी। तो उसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको ये किट खोलकर अलग कर लेना है, रिमूव कर दीजिए सारे वायर को ताकि आप सारे जैक्स को और कनेक्टर को, ताकि आप आराम से किट को बाहर निकाल सके। और किट को बाहर निकालने के बाद इस पर हम वर्क करेंगे। तो चलिए पहले हम किट को बाहर निकाल देते हैं और थोड़ी सी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि समय की बचत हो। अब मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूं ताकि आपको आपकी समय की बचत हो। और इसके बाद हमको करना क्या है, इसमें दो रिले होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लू और एक ब्लैक लगा हुआ है। तो जो ब्लैक वाला रिले है वो चार्जिंग में है, यानी कि अगर आपकी आउटपुट सप्लाई दे रही है और उसके बाद भी आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है तो उस ब्लैक वाले रिले से फॉल्ट होगी। लेकिन अगर आउटपुट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आउटपुट नहीं आ रही हो या फिर आपकी मेंस या इन्वर्टर मोड में, तो फिर आपको ये जो ब्लू वाली जो ब्लू वाली जो रिले है उस रिले को आपको चेंज कर देना है। और चेंज करने का सरल तरीका बहुत आसान से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्लू वाले रिले को आप आराम से डिसोल्विंग पंप या फिर जैसे भी आप उसे रिमूव कर सके पीसीबी से, वैसे आप पीसीबी से रिमूव कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी रिले, और आप जैक इत्यादि को भी चेंज कर ले। हो सकता है कि कभी कभी जैक्स भी ख़राब होते हैं और रिले ओके होती है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिले की पाँच पॉइंट होते हैं, तीन मेंस है और दो कॉइल की है, उसको आप डिसोल्विंग पंप से रिमूव कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डिसोल्विंग पंप से रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको उसके जगह पर न्यू रिले लगा दीजिए और न्यू रिले लगाकर आप चेक कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको जो कनेक्टर पर
डीसी के माध्यम से या एसी के माध्यम से कनेक्टर पर वोल्ट नहीं आएंगे तब तो रिले की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कनेक्टर से सप्लाई आ रही है लेकिन आपकी आउटपुट में सप्लाई नहीं जा रही है, तो आप सबसे पहले रिले के कॉमन पर आप चेक कर सकते हैं। अगर रिले के कॉमन पर भी चेक करने के बाद भी सप्लाई नहीं आ रही है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रिले चेंज कर दीजिए, और रिले चेंज करने के बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, रिले चेक करने के बाद फिर वैसे ही लगाकर आप चाहे तो कनेक्शन करके भी चेक कर सकते हैं या बिना कनेक्शन दिए हुए भी चेक कर सकते हैं। बिना कनेक्शन दिए हुए मैं इससे पहले मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि आप कैसे बिना पीसीबी में लगाए, बिना इन्वर्टर में लगाए इसकी पीसीबी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमें कैसे चेक करना है, क्योंकि बार बार पीसीबी को कि इन्वर्टर में लगाना निकालना काफ़ी समय लगता है और प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इसकी पीसीबी में वायर काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इसलिए आप उसको सही से नहीं कर पाते हैं चेक, और मन में काफ़ी परेशानी लगने लगती है। इसलिए आप इसको बाहर ही पहले चेक कर ले, बाहर चेक करने के बाद इसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं दूसरी रिले को यहाँ पर लगा कर, देखिए दूसरी रिले लगा कर मैं इसे सोल्ड कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ सोल्डिंग काफ़ी अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई सोल्ड हो जाने पर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके बाद हम इसे इन्वर्टर में लगा कर चेक करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ हो गया। थोड़ी सी आप थिनर इत्यादि से साफ़ कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग उस मैल को यानी कि जब साफ करते हैं तो थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग हो जाती है, उसे साफ नहीं करते। चूंकि रिले ये है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अन्य सर्किट में आप उसे साफ जरूर कर दें, ताकि वो काफ़ी हद तक आपकी वह अच्छी तरह से वर्क कर सके, और आप तेज़ी से इसे कस दें। देखिए जिससे कि सबसे पहले आप निगेटिव कसिए, क्योंकि निगेटिव कसने के बाद आप उसे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप हीट सिंक या जैक इत्यादि को कर सकते हैं, इसमें तो हीट सिंक और जैक काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो पहले आप जैक को लगा लीजिए। जो चीज़ सबसे पहले सांकड़ा हो या छोटा हो या कठिनाई देने वाला हो, पहले उसे लगाएं, फिर बाद में आप उसे कंप्लीटेड करें, तो इस तरह आप काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। और सिर्फ मामूली कुछ समय में आपका ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वर्टर में आती है, ये नहीं है कि सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट ही आती है, सिंपल सिंपल फॉल्ट आती है, और नए लोगों को नहीं मालूम होता है, उनके लिए ये सब वीडियो है ताकि इसे देख कर सीख कर कुछ पैसे अर्न कर सके। तो चलिए यहाँ पर हम अब अपने आउटपुट पर चेक कर लेते हैं सीधे यहीं पर, और यहाँ पर मैं आपको आउटपुट चेक करवा देता हूँ। अब मैं आउटपुट दोनों सॉकेट पर, ये देखिए दोनों सॉकेट पर हमारी वोल्टेज आ गई। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।